हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंडल के सेकेंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे। ठीक है, ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि जब हम दो ऐसे पेरेंट्स का क्रॉस कराएं जो कि दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट हों, दो कैरेक्टर के लिए अगर डिफरेंट पेरेंट्स हैं तो उनमें अगर हम क्रॉस कराते हैं तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। ठीक है, देखिए मेंडल ने जब दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया, एक P1 ले लिया एक P2 ले लिया, ये जो P1 है ये P2 से दो कैरेक्टर के लिए डिफरेंट था। एक तो हाइट के लिए, ये टाल था, और दूसरा सीट कलर के लिए। ठीक है, तो सीट कलर में ये कैसा था, येलो था, जबकि दूसरा पैरेंट जो था ये ड्वार्फ और इसके जो सीट थे वो ग्रीन थे। ठीक है, तो ये दो करेक्टर के लिए जो है दोनों पेरेंट देखिए क्या है, डिफरेंट है। इनमें जब क्रॉस कराया तो यहाँ हम मान लेते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये इसका जीनोटाइप हो गया और ये इसका फिनोटाइप हो गया। ठीक है, अब जब F1 आएगा तो यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल वाई गैमिट हो गया, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल वाई गैमिट हो गया, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में एक ही टाइप का गैमिट बनता है। ठीक है, अब इन दोनों गैमिट्स का यहाँ क्या हो जाएगा, फ्यूजन, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये क्या आ गया F1। ठीक है, ये क्या आ गया F1। तो अब यहीं पे हमको समझना है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या पढ़ा था कि जो एक जीन के दो एलील हैं, एक जीन के दो एलील जो हैं वो कम्प्लीटली एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, उसी को हम कहते थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑपरेट होगा, इन दोनों जीन के बीच में सेग्रीगेशन होगा, लेकिन एक जीन का जो सेग्रीगेशन है वो दूसरे जीन के सेग्रीगेशन से बिल्कुल क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। एक जीन का सेग्रीगेशन दूसरे जीन के सेग्रीगेशन से बिल्कुल क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इसी चीज को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कैपिटल टी है ये कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल टी जो है ये स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, इसी तरीके से स्मॉल टी जो है ये कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, और स्मॉल टी जो है वो स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। इस प्रकार से चार तरीके के जो है गैमिट बन जाएंगे। ठीक है, तो F1 में गैमिट बनते समय ये जो दो जीन सेग्रीगेशन शो करते हैं, इसमें क्या होता है कि एक जीन का सेग्रीगेशन दूसरे जीन के सेग्रीगेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। इसी लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से मेंडल को जो F2 पॉपुलेशन थी उसमें 9:3:3:1 का जो है रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो मिला था, जिसमें से 9 जो है वो टाल येलो और 3 जो है ये टाल ग्रीन, इसके बाद 3 जो है ये ड्वार्फ येलो और 1 जो है ये ड्वार्फ ग्रीन, इस तरीके का फिनोटिपिक रेशियो मेंडल को मिला था, जबकि जीनोटिपिक रेशियो जो था वो 1:2:2:1:2:2:4:2:2:1:2:1 121:242 121, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो 121:242 121 और फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझा। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि F1 में गैमिट बनते समय एक जीन का जो सेग्रीगेशन है वो दूसरे जीन के सेग्रीगेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।